हेलो जी, नमस्कार, वेलकम टू आर चैनल नीट प्रिपाई। और आज इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, यानी मेल गैमेट का डेवलपमेंट। क्या पढ़ रहे हैं हम, देखो जरा, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस यानी मेल गैमेट का डेवलपमेंट। देखो, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स में माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन होता है ना, जिसका आपने प्रोबेबली आपने नाम सुना है ना, माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन, फ्लावरिंग प्लांट में ये मेल गैमेटोफाइट की पहली सेल होती है। क्या लिखा हुआ है, इन फ्लावरिंग प्लांट्स पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोरिया पोलन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ओके, उसके बाद में लिखा हुआ है पार्शियल जर्मिनेशन और डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन स्टार्ट बिफोर डेहिसेंस, बिफोर पोलिनेशन। अब यार ये तो बात तुम्हें पता भी होगी, नहीं पता तो सुनो, कि पोलन ग्रेन के वो एंथर डेहिस होता है, पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं यानी पोलिनेशन होता है, या फिर हम बोल दें पोलन ग्रेन्स बाहर लिबरेट होते हैं, उससे पहले ही बिफोर पोलिनेशन पार्शियल जर्मिनेशन या फिर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन या हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। वेट, वापस बोलूं, पोलिनेशन से पहले यानी एंथर के डहिस होने से पहले ही मेल गैमेटोफाइट का, या हम बोले कि पोलन ग्रेन का पार्शियल जर्मिनेशन हो जाता है, पार्शियल डेवलपमेंट हो जाता है ऑफ पोलन ग्रेन, स्टार्ट बिफोर डहिसेंस बिफोर पोलिनेशन। सो इट इज नोन एज, सो इस टाइप के डेवलपमेंट या इस टाइप के जर्मिनेशन को जो पोलिनेशन से पहले ही ज्यादा हो जाए उसको बोलते हैं प्रिकॉशियस जर्मिनेशन, उसको बोलते हैं प्रिकॉशियस जर्मिनेशन। पार्शियल डेवलपमेंट या पार्शियल जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन स्टार्ट बिफोर द डेहिसेंस बिफोर पोलिनेशन, सो इट इज कॉल्ड प्रिकॉशियस जर्मिनेशन। अब मैं बोलता हूं कि डेवलपमेंट ऑफ पोलन ऑल्सो टेक्स प्लेस एट मदर प्लेस इनसाइड पोलन सैक ऑफ एंथर, इट इज कॉल्ड इन सीटू डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑफ पोलन कहां पर होता है, मदर प्लेस पर होता है, मतलब पोलन सैक में जहां पर वो बना है, एंथर के पोलन सैक में जहां पर वो बना है, मतलब अंदर ही डेवलपमेंट हो रहा है मदर प्लेस पर, तो इस टाइप के डेवलपमेंट को बोलते हैं इन सीटू डेवलपमेंट, यानी अंदर ही हो रहा है, इन सीटू डेवलपमेंट। सो दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड इन सीटू डेवलपमेंट, और पार्शियल जर्मिनेशन हो जाए इसको बोलते हैं प्रिकॉशियस जर्मिनेशन। या इन सीटू डेवलपमेंट के अलावा इसको एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट भी बोला जाता है। एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट मतलब इनसाइड स्पोरेंजियम, यानी जहां स्पोरेंजियम में वो बना उसी के अंदर उसका डेवलपमेंट भी हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट, या जिसको इन सीटू डेवलपमेंट बोलते हैं, और इसको प्रिकॉशियस जर्मिनेशन या प्रिकॉशियस डेवलपमेंट भी बोला जाता है। ये चीजें समझ में नहीं आई ना, तो सिंपली याद कर लेने का, फिर एक बार रिवीजन करते हैं, फिर बताता हूँ मैं एक बार, अगर किसी को नहीं सुना थोड़ा एक मिनट आगे खिसका ले, लेकिन बताता हूँ मैं एक बार। देखो, फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट इज नोन एज पोलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर। ये क्वेश्चन है एक कि मेल गैमेटोफाइट की प्लांट्स में पहली सेल कौन सी होती है, तो आप टिक करेंगे पोलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर, जो भी ऑप्शन में होगा। उसके बाद में पार्शियल जर्मिनेशन या पार्शियल डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन वो स्टार्ट हो जाता है पोलिनेशन से पहले ही, जिसको बोला जाता है प्रिकॉशियस डेवलपमेंट या प्रिकॉशियस जर्मिनेशन। और दूसरी बात, वो उसका डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, मदर प्लेस पर ही हो रहा है, इनसाइड स्पोरेंजिया हो रहा है, इनसाइड पोलन सैक हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, इन सीटू डेवलपमेंट या फिर एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट। उसके बाद प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट, देखो मेन काम क्या होना है, पोलिनेशन होना है, तो पोलिनेशन से पहले मैं चिल्ला रहा हूं डेवलपमेंट, ये क्या है डेवलपमेंट, ये कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है एक्चुअली में, ये मैं आपको समझाता हूं। यहां पर देखो, आपके सामने एक पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन है, ओके, ये क्या करता है, ये अनइक्वल माइटोटिक डिविजन शो करता है। ये क्या करता है, इट शोज अनइक्वल माइटोटिक डिविजन अनइक्वल शो करेगा, इसका मतलब इसमें दो अनइक्वल साइज की सेल्स बनेंगी, दो अनइक्वल साइज के न्यूक्लियस बनेंगे,
जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये दो सेल्स बन गई, इसमें ये जो ये एक सेल तो, ये एक सेल तो अटैच है इस मेम्ब्रेन से, ये एक सेल तो अटैच है इस मेम्ब्रेन से। इसका जो ये न्यूक्लियस है ना, ये स्मॉल साइज का होता है और इसको बोला जाता है जनरेटिव न्यूक्लियस। जोर से बोलो, जनरेटिव न्यूक्लियस। सारे बोलो, जनरेटिव न्यूक्लियस। इसको क्या बोला जाता है? जनरेटिव न्यूक्लियस। उसके बाद में ये जो ऊपर वाली सेल है, जो बड़ी है, जिसका न्यूक्लियस भी बड़ा है, इसको बोला जाता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस या फिर ट्यूब न्यूक्लियस। अच्छा एक बात बताओ, जनरेटिव न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल इज नोन एज, दिस सेल इज नोन एज जनरेटिव सेल, एंड वेजिटेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल इज नोन एज वेजिटेटिव सेल या फिर ट्यूब सेल। ये नाम आप बड़े अच्छे से याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है। जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस या फिर ट्यूब न्यूक्लियस। सो ये जो तुम देख रहे हो ना, ये डेवलपमेंट है, अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन से बना है। इट इज नोन एज पोलन ग्रेन इन बाई सेल्ड स्टेज। अब पोलन ग्रेन टू सेल्ड स्टेज पर प्रेजेंट है, बाई सेल्ड स्टेज पर प्रेजेंट है। और यहां पर इस स्टेज तक क्या हो जाता है? यहां तक पार्शियल डेवलपमेंट हो जाता है पोलन ग्रेन का। क्या बोला गया है? पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट और मैच्योर पोलन ग्रेन। यहां पर ये जो यहां पर ये जो चीज प्रेजेंट है ना, ये एकदम मैच्योर पोलन ग्रेन है। ये जो चीज प्रेजेंट है यहां पर पूरी, ये एकदम मैच्योर पोलन ग्रेन है। ये मैच्योर पोलन ग्रेन है, ये मैच्योर पोलन ग्रेन है, मैच्योर पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन मैच्योर हो चुका है। लेकिन मेल गैमेटोफाइट अभी कैसा है? पार्शियली डेवलप्ड है। ये क्या है? इट इज पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट, इट इज पार्शियली डेवलप्ड। फिर लिख रहे हो क्या? शौक चढ़ रहा है, पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। बड़ी सुंदर राइटिंग में लिखा है, यहीं लिखा पड़ा था, चैन नहीं मिल रहा था। फील गाइस, फील। सो ये क्या है? इट इज पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट या फिर जिसको मैच्योर पोलन ग्रेन बोल रहे हैं। पोलन ग्रेन मैच्योर है, लेकिन मेल गैमेटोफाइट अभी मैच्योर नहीं है, ये पार्शियली डेवलप्ड है। ठीक है, अब गौर से सुनना, ये जो टू सेल स्टेज है, ये बाई सेल स्टेज है ना, इसी स्टेज पर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म के जो पोलन ग्रेन है उनका पोलिनेशन हो जाता है, मतलब डेहिसेंस होके बाहर निकाल दिए जाते हैं। 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में, बड़ा इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनना, 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में पॉलिनेशन इसी टू सेल्ड स्टेज में होता है, बाई सेल्ड स्टेज में। लेकिन बाकी के 30 जो बचे उनका क्या? रिमेनिंग 30 इनके अंदर थ्री सेल्ड स्टेज में होता है, टू में नहीं होता, तो थ्री में होता था। थ्री सेल्ड कहाँ से आ गया? बकवास कर रहे हैं क्या ज्यादा? थ्री सेल्ड स्टेज हमें पढ़ाएगा तू? है गाइस, जोक्स अपार्ट, ये थ्री सेल स्टेज कहां से आई मैं आपको समझाता हूं। थ्री सेल स्टेज कहां से आई? देखो, एक तो यहां पर वेजिटेटिव सेल है, एक तो वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट है, ये ऊपर देख लो, वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट है। और जो ये दूसरी जनरेटिव सेल है ना, ये जो दूसरी जनरेटिव सेल है ना, ये जनरेटिव सेल का ये जो न्यूक्लियस होता है ना, ये क्या कर लेता है? ये डिवाइड करके दो मेल गैमिट्स बना लेता है। देख लो जरा गौर से, यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर एक तो वेजिटेटिव सेल है ही, और साथ में जनरेटिव सेल ने डिवाइड करके, जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस था इसने डिवाइड किया और दो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कर लिया। क्या कर लिया बोलो? दो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो चुका है, दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया। इट इज नोन एज थ्री सेल स्टेज, एक वेजिटेटिव सेल और दो पार्ट इसके हो जाएंगे फिर। सो इट इज नोन एज थ्री सेल स्टेज। थ्री सेल स्टेज पर रिमेनिंग 30% एंजियोस्पर्म्स में पॉलिनेशन होता है। अब क्या होगा? अब ये जो जनरेटिव सेल है, इसमें ये डिवीजन के बाद ये जनरेटिव सेल जो बनेगी, ये जनरेटिव सेल मेम्ब्रेन से डिटैच हो जाएगी, और ये जो वेजिटेटिव, ये जनरेटिव सेल क्या होगी? मेम्ब्रेन से डिटैच हो जाएगी। और ये जो वेजिटेटिव सेल है ना, देखो, जनरेटिव सेल ये डिवाइड करने के बाद में जनरेटिव सेल यहां से डिटैच हो जाएगी और फिर कुछ ऐसा बन जाएगा। ये तो कौन सा न्यूक्लियस है? ये तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ट्यूब न्यूक्लियस है, और ये दो मेल गैमेट्स जो बने, ये इस स्टेज पर 30% एंजियोस्पर्म्स में होता है पॉलिनेशन।
समझ गए, ऐसा कुछ बन गया। ओके, अब जरा देखो यहां पर, अब जरा गौर से देखो, अब हम पढ़ रहे हैं पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। पॉलिनेशन हो गया और पॉलिनेशन के बाद में क्या होता है, देखो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड हुआ, स्टिग्मा पे लैंड हुआ और स्टिग्मा पे पता है क्या है, स्टिग्मा पे वो क्या करेगा, शुगर और स्टार्च वाटर सॉल्यूशन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या होगा, जैसे हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो क्या होता है, तोंद निकल आती है बाहर, तोंद निकल आती है, वैसे फिर इसमें क्या होगा, इसको कहीं से निकलने के लिए जगह चाहिएगी, तो निकलने के लिए जगह चाहिए, वो जगह कहाँ से मिलेगी, पोलन ग्रेन के अंदर जिन जिन जगहों पर एक्साइन एब्सेंट होती है उनको क्या बोला जाता है, जर्म पोर। तो उन जर्म पोर से जो इंटाइन होगी, जो थिन फ्लेक्सिबल इंटाइन है, वो वहाँ से निकल जाएगी और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेगी। किसका फॉर्मेशन कर लेगी, जो दिख रही है आपको, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेगी। इस पोलन ट्यूब में सबसे पहले, ये याद रखने की बात है, पोलन ट्यूब में सबसे पहले वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंटर करता है, पोलन ट्यूब में सबसे पहले वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंटर करता है, पोलन ट्यूब में सबसे पहले कौन एंटर करता है बोलो, एंटर करता है, ओके। और फिर क्या होता है, फिर पीछे पीछे जो जो जनरेटिव सेल थी ना, वो जनरेटिव सेल पीछे पीछे यहां पर आती है और यहां पर आकर के वो क्या करती है, यहां पर आकर के वो क्या करती है, जो 30% एंजियोस्पर्म्स में होता है ना, वो आकर के यहाँ क्या करती है, यहाँ पर माइटोसिस करती है और क्या बना लेती है, यहाँ पर बना लेती है वो दो मेल गैमिट्स। तो अब कुल मिला करके इस पोलन ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है और दो मेल गैमिट्स प्रेजेंट है। ये यहीं आके माइटोसिस किया है इसने, 30% एंजियोस्पर्म्स वाला केस है ये, बाकियों में टू सेल्ड में होता है, बाकियों में यहाँ डिवीजन नहीं होता, एक जनरेटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है अकेला, बाकियों में ये डिवीजन आगे जाकर के होता है एम्ब्रियो सैक के पास। अब ये जो यहाँ पर बना है ना, ये जो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बनी है, जो चीज़ बनी है, इसको बोला जाता है मेल, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। यहाँ पर बोला था, यहाँ पर बोला था कि ये पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट है, यहाँ पर बोला था ये पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट है, यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि ये मैच्योर मेल गैमेटोफाइट है, ओके, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट है। अब तुम देख रहे हो, अगर हम इवोल्यूशन को उठा के देखें तो जो पहले थे ब्रायोफाइट्स वगैरह, बायोफाइट्स, एल्गी, इनके अंदर क्या होता था कि जो गैमेटोफाइट होता था ना वो ज़्यादा डेवलप होता था, और जो स्पोरोफाइट स्टेज थी वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड करती थी, अगर तुमने डाइवर्सिटी पढ़ी हो तो। लेकिन यहाँ पर देखो कितना दुबला पतला, कितना दुखी बेचारा, अकेला, रिड्यूस टाइप का मेल गैमेटोफाइट है। मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म्स इज हाईली रिड्यूस्ड भी नहीं, हाईली रिड्यूस्ड है, तीन सेल स्टेज का है, तीन सेल्स प्रेजेंट हैं बोलो इसमें। मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म्स इज हाईली रिड्यूस्ड, कंप्लीटली डेवलप्ड, डिपेंड अपॉन स्पोरोफाइट, ये कंप्लीटली स्पोरोफाइट पर डिपेंड करता है, जो मेन प्लांट बॉडी है उस पर डिपेंड करता है ये। अब यहाँ पर आपसे दो, इस ये जो प्रोसेस है इससे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखो जरा, फॉर फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर पोलन ग्रेन, मैच्योर पोलन ग्रेन के फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए होता है। अच्छा, मैच्योर पोलन ग्रेन कहाँ बनता है, मैच्योर पोलन ग्रेन, अरे इधर इधर इधर, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये मैच्योर पोलन ग्रेन यहाँ पर बनता है, मैच्योर पोलन ग्रेन, मैच्योर पोलन ग्रेन, मैच्योर पोलन ग्रेन यहाँ बनता है। अच्छा, ये इसको बनने के लिए क्या क्या चाहिए था, इसको बनने के लिए एक तो ये माइटोसिस लगा, पकड़ के रख लो, एक तो माइटोसिस लगा, और ये पोलन ग्रेन कैसे बना था, पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर मदर सेल के मियोसिस से बना था, चार पोलन ग्रेन्स बने थे याद हो तो। तो एक तो पहले मियोसिस लग गया, यहाँ पर एक माइटोसिस लग गया, तब जाकर के एक मैच्योर पोलन ग्रेन बना है। तो मेरा क्वेश्चन था कि फॉर फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर पोलन ग्रेन हाउ मैनी डिविजन्स आर रिक्वायर्ड, तो आपका आंसर होगा टू डिविजन्स, एक तो मियोटिक डिवीजन एंड एक माइटोटिक डिवीजन, एक तो मियोटिक डिवीजन एंड एक माइटोटिक डिवीजन। एक और क्वेश्चन पूछूं, फॉर फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर मेल गैमेटोफाइट हाउ मेनी डिवीजन्स आर रिक्वायर्ड, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट कहाँ है, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये ऊपर देखो, ऊपर देखो, ये मैच्योर मेल गैमेटोफाइट है, ये मैच्योर मेल गैमेटोफाइट है। तो इस मैच्योर मेल गैमेटोफाइट को बनने के लिए क्या लगा, देखो मैच्योर पोलन ग्रेन को बनने में एक मियोसिस एक माइटोसिस लगा था,
अब मैच्योर पोलन ग्रेन में यहां पर क्या हुआ है, एक माइटोसिस और हुआ है जिससे दो मेल गैमेट बने हैं। तो कुल मिला के आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखो एक तो मियोटिक डिवीजन प्लस दो माइटोटिक डिवीजन। तो आप याद क्या रखेंगे यहां से, चलो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। हमने ये देखा कि इसके अंदर क्या हो जाता है कि माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन जो है ये फर्स्ट सेल है मेल गैमेटोफाइट की, और यहां पर पार्शियल जर्मिनेशन पार्शियल डेवलपमेंट पोलिनेशन से पहले ही स्टार्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं प्रिकॉशियस जर्मिनेशन या प्रिकॉशियस डेवलपमेंट। और यहां पर क्या होता है कि स्पोरेंजिया के अंदर ही डेवलपमेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट। और यहां पर पोलन सैक के अंदर होता है डेवलपमेंट, इसलिए इसको एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट या फिर बाद में इसको क्या भी बोल दिया जाता है, इस इन सीटू डेवलपमेंट भी बोल दिया जाता है। उसके बाद में प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट में हमने ये पढ़ा कि कैसे एक पोलन ग्रेन अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन करके ये मैच्योर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है या फिर पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट बनाता है जो कि टू सेल्ड स्टेज होती है, जहां पर एक वेजिटेटिव सेल वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ट्यूब न्यूक्लियस है, और एक जनरेटिव सेल या जनरेटिव उसमें जो न्यूक्लियस है जनरेटिव न्यूक्लियस है। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म 60% एंजियोस्पर्म्स में पोलिनेशन इसी दो टू सेल स्टेज में हो जाता है, लेकिन 30% एंजियोस्पर्म्स में ये जो जनरेटिव सेल है ये पोलन ट्यूब में जाकर के माइटोसिस कर लेती है और दो मेल गैमेट बना लेती है वहीं पोलन ट्यूब के अंदर ही। तो वहीं दो जो 30% एंजियोस्पर्म्स हैं उनके अंदर थ्री सेल स्टेज के अंदर क्या होता है, पोलिनेशन होता है। उसके बाद में हमने देखा कि एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट को बनने में कितने डिवीजन चाहिए, एक मियोसिस प्लस दो माइटोसिस, और एक मैच्योर पोलन ग्रेन को बनने में कितने डिवीजन चाहिए, एक माइटोसिस एंड एक मियोसिस। दैट्स ऑल। तो देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए मजे से यार, और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। नोट कर लीजिए इसको, देखिए।